हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, इंडियन आइडल सीजन 12 के मंच पर आखिर पवनदीप ने अपनी दिल की बात बोल दी। पवनदीप ने दुनिया के सामने बोल दिया कि वो अरुणिता के दीवाने हैं। वो अरुणिता के सामने ही अपना सर झुकाते हैं। उनकी दिल में, उनकी धड़कनों में सिर्फ और सिर्फ अरुणिता है। क्या है पूरी खबर, चलिए हम आपको बताते हैं टेली टॉकीज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, इंडियन आइडल सीजन 11 के मंच पर इस बार आए बॉलीवुड के ही मैन और एक्ट्रेस अनीता राज। और ऐसे में पवनदीप ने इन दोनों की ही फिल्म का सुपर डुपर हिट गाना गाया। पवनदीप ने गाना गाया जमाना तो है नौकर बीवी का, और इस गाने में पवनदीप के साथ सुर से सुर मिलाती हुई नजर आई अरुणिता। अरुणिता और पवनदीप की जोड़ी यू मानो ऐसी लग रही थी जैसे ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और जब पवनदीप ये गाना गा कर चुके तो उसके बाद पवनदीप की जमकर टांग खिंचाई की धर्मेंद्र ने। जी हाँ, जब पवनदीप ने बोला कि जमाना तो है नौकर बीवी का, मैं हूँ दीवाना, तो दोस्तों साफ हो चुका था कि उस समय तो पवनदीप के साथ ड्यूट गा रही थी कोई और नहीं बल्कि अरुणिता। तो धर्मेंद्र ने बाद में उनसे कहा, तो तुमने आखिरकार मान ही लिया कि तुम अरुणिता के दीवाने हो, तुम अरुणिता के नौकर हो। जिसके बाद पवनदीप बहुत ज़्यादा शर्माने लग गए और आदित्य नारायण भी चुप नहीं रहे। आदित्य नारायण ने भी अरुदीप की खूब टांग खिंचाई की और पूरे का पूरा उस समय का माहौल बहुत ही खुशमय हो गया। दोस्तों, साफ हो चुका है कि जहां पर पवनदीप और अरुणिता एक साथ आ जाते हैं वहां पर लोगों के दिल खिल जाते हैं, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट अपने आप आ जाती है। क्या कहेंगे आप, कमेंट्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलें।